सो हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, हम लोगों ने फिल्मोरा 9 का जो है सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे गाइस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप कम टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के वीडियोज को क्रिएट कर सकते हो। गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ इसी सीरीज का, जिसमें गाइस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरीके के वीडियोस को इंपोर्ट करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का लुक दे सकते हो अपने वीडियोस को। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी फिल्मोरा 9 ओपन कर लिया है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उस वीडियो को ऐड करना है जिसको आपको टेक्स्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। जैसे गाइस, यहाँ पे मैंने सैंपल वीडियोस में से दो तीन वीडियो की क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस आपको सिंपली ये टाइटल का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इंक्लूडेड वाले ऑप्शन में आपको टाइटल का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे टाइटल नंबर 32 सिलेक्ट कर लेना। आप चाहे तो आप गाइस यहाँ पे कोई भी टाइटल को, कोई भी टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। मैं 32 प्रेफर करूंगा, ये काफी इंटरेस्टिंग देखने में आपको मिलेगा। उसके बाद गाइस आपको सिंपली इस क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको इस टाइटल वाले क्लिप पे डबल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस आपको ये दोनों जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों टेक्स्ट को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऐड शेप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल वाले शेप को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आप इसे डिलीट कर दीजिए और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। मेरा मतलब है गाइस आपको इसको अपने वीडियो के साइज के इतना बड़ा कर लेना है। दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है गाइस कि इसका जो कलर है, इस बॉक्स का जो कलर है, वो हमें ब्लैक ही रहने देना है, क्योंकि इस एडिटिंग में हमें ब्लैक का ही जरूरत पड़ने वाला है। तो मैं सिंपली ब्लैक पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद गाइस सिंपली आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा मतलब ये है गाइस कि जिस भी टेक्स्ट के अंदर आपको अपने वीडियो को प्ले करना है, उसको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे गाइस यहाँ पे आपने वीडियो देखा, ये राइडिंग के तरीके का वीडियो है, तो मैं सिंपली यहाँ पे राइडिंग लिख लूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इम्पैक्ट वाले फॉन्ट को चूज करूंगा और इसके साइज को मैं इंक्रीज करके 300 कर दूंगा। उसके बाद गाइस सिंपली आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको राइडिंग वाले क्लिप पे क्लिक करना और जो भी एनिमेशन आपको इसमें ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे रिस्पिक का एक एनिमेशन है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग देखने को लगता है, मैं सिंपली इस पे डबल क्लिक कर लूंगा। अब गाइस देख सकते हैं जो राइडिंग वाला जो हमने टेक्स्ट लिखा था, उस क्लिप के ऊपर ये एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब इस एनिमेशन के साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ध्यान रहे गाइस कि हमें थोड़ा सा ये जो स्पेस मैंने छोड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड, उतना उतना स्पेस आपको दोनों साइड छोड़ देना है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप सिंपली इस टाइटल वाले क्लिप को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो इतना ही बड़ा रहने दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने वीडियो की इतना टोटल कंप्लीट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं गाइस, ये जो सिंपली सिर्फ हमें टेक्स्ट दिख रहा है, अभी तक हमें इसके अंदर वीडियोस नहीं दिख रहे, तो अब सबसे मेन काम हम अभी करने वाले हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, जितने भी आपने क्लिप ऐड किए सभी क्लिप को आपको टेक्स्ट के ऊपर लाकर रख देना है। गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी क्लिप को टेक्स्ट के ऊपर लाके रख दिया। अब सिंपली आपको हर एक वीडियो पे डबल क्लिक करना है, कंपोजिटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे नॉर्मल टू डार्कन पे क्लिक करके ओके कर देना है। गाइस सेम टू सेम आपको इन सभी पे भी करना है, जितने भी क्लिप आपने ऐड किए डबल क्लिक करना है, कंपोजिटिंग पे क्लिक करना है, नॉर्मल टू डार्कन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा गाइस कि आपका जो वीडियो है वो टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस मैं सिंपली आपको इस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग सा लुक हमें देखने को मिला है।
गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। आप चाहे तो इसे आप अपने इंट्रोज में यूज कर सकते हो या फिर आप इसे अपने रील्स में यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके इसे यूज करने के डिपेंड करते हैं अपने ऊपर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक गाइस बाय बाय।